पहली बार आया। अच्छा, गाजियाबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये देश सेवा का सुनहरा मौका होता है वोटिंग वाला दिन, अपना वोट भी दें और देश के अंदर अच्छी सरकार आए, अच्छा प्राइम मिनिस्टर बने, अच्छे लोग राजनीति में आए, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए पूरा प्रयास करें। आप पहले ही वोट डालते हैं, वजह क्या है इसकी, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बस ऐसे ही है, मेरे को अच्छा लगता है। मैं 1977 में पहली बार वोट डाला था, तब भी मैंने पहला वोट डाला था। अच्छा, पहले मतदान फिर जलपान, आपकी हमेशा शुरुआत से आदत रही है जिस तरह से, तो जलपान अब जाके करेंगे या पब्लिक में जाएंगे? ऐसा है कि मैं बूथों पे जाऊंगा अपनी पत्नी को घर छोड़ के, और जलपान तो कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है। परिवार का कौन कौन साथ आया है आपके? मेरा पूरा परिवार साथ आया है, मेरी पत्नी है, मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों बहुएं हैं, छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक बच्चे को छोड़ गया, तीनों पोते पोती मेरे साथ आए। क्या वजह है जो बच्चों को लेकर आए? उन्हें दिखना चाहिए ना कि मतदान क्या होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उन्हें समझ आना चाहिए। इनके लिए एक ट्रेनिंग भी है और एक लिसनिंग भी है और एक उनके लिए एक्सपीरियंस भी है। तो देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग को आप सुन रहे थे, जो कि हैप्पी आवर्स में वोटिंग के साथ साथ में सहपरिवार यहाँ पर मौजूद रहे, उनके द्वारा वोट किया गया। वो अपनी वाइफ के साथ साथ में, अपने बेटों के साथ साथ में, बहू के साथ साथ में यहाँ पर आए और वोट उनके द्वारा कास्ट किया गया। और बड़ी बात यह कि बीजेपी के द्वारा लगातार, अगर हम इस सीट की बात करें गाजियाबाद सीट की, तो एक स्ट्रॉन्ग सीट कही जाती है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है बीजेपी का इस सीट के ऊपर। और फिलहाल अतुल गर्ग को इस बार टिकट यहाँ पर दिया गया है, जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले वीके सिंह, जनरल वीके सिंह दो बार यहाँ से जीते हुए नजर आ रहे थे पूर्णिमा।